प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में बड़ोदरा के करेलीबाग में युवा शिविर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया संबोधित। एक भारत श्रेष्ठ भारत, आत्मनिर्भर भारत तथा स्वच्छ भारत जैसी पहल के माध्यम से युवाओं को एक नए भारत के निर्माण में भागीदार बनाना इसका उद्देश्य। जमैका की राजकीय यात्रा पूरी करने के बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद सेंट विंसेंट एंड ग्रेनाडाइन्स की राजधानी किंगस्टन पहुंचे। गवर्नर जनरल डेम सुसान डॉगन ने किया उनका स्वागत। सेंट विंसेंट एंड ग्रेनाडाइन्स और भारत के बीच है सौहार्दपूर्ण संबंध। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद मामले पर कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह ने 12 पन्नों की पेश की सर्वे रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट मामले पर कल करेगा सुनवाई। अदालत ने वाराणसी कोर्ट की सुनवाई पर भी लगाई रोक। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आगामी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 से पहले आज नई दिल्ली में विशेष योग कार्यक्रम में लिया भाग। कहा, वर्तमान जीवन शैली में योग तनाव दूर करने में निभाता है महत्वपूर्ण भूमिका और कोविड महामारी के दौरान योग से लोगों में प्रतिरोधी क्षमता बढ़ाने में मिली मदद। कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू को झटका। 34 साल पुराने रोडरेज केस में सुप्रीम कोर्ट ने सुनाई 1 साल की सजा। आम आदमी की जेब को एक बार फिर से झटका। तेल कंपनियों ने एक बार फिर से घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम में की बढ़ोतरी। देश में अब घरेलू गैस सिलेंडर का मूल्य 1,000 रुपये के हुआ पार। केरल और कर्नाटक में हुई भारी बारिश। अंडमान सागर और बंगाल की खाड़ी के एक हिस्से में पहुंचा मॉनसून। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों के दौरान उत्तर पूर्व में जताई बारिश की आशंका, जबकि उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में लू चलने के आसार। असम में बाढ़ की स्थिति स्थिर। 27 जिलों के 1,413 गांव बाढ़ से प्रभावित। 48,000 लोगों ने राहत शिविरों में ली शरण। दिल्ली कोर्ट ने टेरर फंडिंग मामले में अलगाववादी नेता यासिन मलिक को दोषी करार दिया। मलिक ने अदालत में खुद कबूल किया था अपना गुनाह। आकाशवाणी और दूरदर्शन समाचार की पूर्व महानिदेशक विमला भल्ला का निधन। भारतीय सूचना सेवा की अनुभवी अधिकारी विमला भल्ला ने नवंबर 1990 से सितंबर 1992 तक आकाशवाणी समाचार महानिदेशक के पद पर किया था काम। सूचना प्रसारण मंत्रालय के तहत मीडिया इकाइयों के विभिन्न पदों पर भी किया कार्य। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन करेंगे फिनलैंड के राष्ट्रपति और स्वीडन के पीएम से मुलाकात। फिनलैंड और स्वीडन के नाटो आवेदन और यूरोपीय सुरक्षा पर होगी चर्चा। दुनिया भर में कोरोना से 62 लाख से अधिक लोगों की मौत। अमेरिका में ही अकेले 10 लाख से अधिक की जा चुकी है जान। वहीं 24 घंटों में अमेरिका में 71,000 से अधिक नए मामलों की पुष्टि।